गुरुराम की RWA मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने बातें रखी, जिसके बाद सीएम ने राव को आश्वासन भी दिया और यह भी कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में रेरा के साथ मिलकर सेमिनार किया जाएगा। आपको बता दें कि भविष्य में सुरक्षित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को लेकर भी चर्चा हुई। खबर पंचकुला से है, जहां पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकुला मोहित हांडा के निर्देशानुसार जिला पंचकुला में ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई हेतु अलग अलग टीम को संगठित किया गया है, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकुला इंचार्ज इंस्पेक्टर और उसकी टीम द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जावेद पुत्र लतीफ खान के रूप में हुई है। मुकदमा 109 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें हमने लड़का, ये क्या नाम उसका, जावेद, इसको भरतपुर से अरेस्ट करा था। ये जो ऑनलाइन ठगी करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करके पैसा गूगल पे के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अभी 10 दिन के रिमांड पे है, आगे और भी इन्वेस्टिगेशन चलनी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को हरियाणा भवन में नई दिल्ली में भाजपा संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, कृषि और किसान कल्याण सहित अन्य सभी क्षेत्रों व वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की जरूरत और उसकी सेवा के लिए जो भी अच्छा होगा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने से पहले अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात की गई और उनके सुझाव मांगे गए। ये तीसरा बजट होगा जो मैं स्वयं वित्त मंत्री के नाते से जिसको पेश कर रहा हूं, 20 में किया, 21 में किया और अभी 22 में कर रहा हूं। तो इसमें कोशिश यही रही है कि प्रदेश के अधिकांश लोगों से जो कुछ सुझाव आते हैं, क्योंकि जनता से जुड़े हुए नीचे, चाहे अपनी पार्टी के लोग हैं चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका एक सीधा सीधा संबंध जनता से होता है। उद्योग के लोग हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, हेल्थ से जुड़े लोग हैं, सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, एग्रीकल्चर के हैं, तो ऐसे सब लोगों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हमने राय जानी थी।